हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि एक्सिस बैंक फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, और आप लोगों को लाइव डेमो के जरिए पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि एक्सिस बैंक का फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई होता है। और आप लोगों को ये भी बता दूँ कि अगर आप एलिजिबल होते हैं तो हो सकता है कि आपको ये क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली मिल जाए। अगर आप जो है अप्लाई करते हैं तो इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाए और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा, तो आपको फौरन ही ये एक्सिस बैंक फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जो कि फ्री चार्ज का ऐप होता है उसमें वर्चुअल कार्ड आ जाता है। उसके बाद जो आप अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अप्लाई कर रहे हों और आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और अचानक से आपका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन वो अप्रूव हो गया। वो ऐसा तब होता है, मतलब कि ऐसा जो है सभी लोगों के साथ में ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन ऐसा कुछ लोगों के साथ में हो सकता है, तो वो हो सकता है कि शॉक हो जाएं। ऐसा इसलिए होता है कि जो आपकी डिटेल्स वगैरह होती हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही होती हैं, जो इनकी इंटरनल पॉलिसी है मतलब बैंक वालों की, उनके साथ में बिल्कुल मैच कर रही होती हैं। तो जैसे ही आप अपनी डिटेल्स वगैरह पूरी फिल कर लेते हैं और सबमिट करते हैं अपना एप्लीकेशन, वैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है। और बहुत बार तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत से लोगों को प्री अप्रूव में भी मिल जाता है। तो बहरहाल मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखा रखा है कि कैसे ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो ये एक्सिस बैंक का फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड भी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अभी के टाइम में जो आपको मिलना थोड़ा आसान है, मैं इसके लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उस लिंक के ज़रिए आपको जो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। और जिन लोगों का भी इंस्टेंटली अप्रूव होता है, मतलब जिनको इंस्टेंटली अप्रूवल मिलता है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें जो है क्रेडिट कार्ड मिल गया है। और जिनको बाद में भी अप्रूवल मिलता है तो वो लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि हमारा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि मैंने इस क्रेडिट कार्ड पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आप लोगों को इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स, इसके चार्जेस वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना हो तो मेरा वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा। वैसे मैं उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे आई बटन भी आप चेक करते रहिएगा, यहाँ पे भी वीडियो आ सकता है। और वीडियो के एंड में भी आप लोगों को मैं वो वीडियो दे दूंगा जिससे कि आप लोगों को मदद मिल सके एक्सिस बैंक फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने में। तो वीडियो ज़रूर से ये पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि एक्सिस बैंक फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना होता है। तो आइए अपने सिस्टम पर ले चलता हूँ और आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। तो एक्सिस बैंक फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जिस पर आपको क्लिक करना होगा, टैप करना होगा, तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। ये काम आप चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो पीसी से भी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि जब ये पेज ओपन होता है तो इसमें हमें क्या क्या डिटेल्स अपनी फिल करनी होती है। तो सबसे पहले हमें अपना नेम, फुल नेम एंटर करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो आइए फटाफट से हम ये डिटेल्स इंटर करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो मैंने अपनी सारी डिटेल्स इंटर कर ली, उसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है हमें। और उसके बाद यहाँ पर हमें पैन इंटर करना होता है, मतलब अपना जो पर्सनल अकाउंट नंबर है जो हमारे पैन कार्ड पर होता है वो एंटर करना होता है, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना होता है। तो आइए फटाफट से ये सारी डिटेल्स हम इंटर करते हैं और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस देखते हैं। एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जब आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए एक OTP आता है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, मतलब ये प्रोसेस मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को, तो वो OTP आपको एंटर करना होता है। बट ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल ये हमने जो अपना पैन एंटर कर लिया, पैन एंटर करने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना होता है। पैन एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ अपनी पर्सनल डिटेल इंटर करनी होती है, जैसे कि पिन कोड, एम्प्लॉयमेंट टाइप, मोड ऑफ इनकम, मंथली इनकम, ऑक्यूपेशन, ये सारी डिटेल्स हमें इंटर करके अप्लाई पर क्लिक करना होता है। तो आइए फटाफट से ये सारी डिटेल्स हम इंटर करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप में जैसे कि है सैलरीड, बिजनेस ओनर, नॉट वर्किंग, तो इसमें से जो भी आप हैं, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है वो आपको जो है चूज़ कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि बिजनेस ओनर है तो बिजनेस ओनर चूज़ करेंगे, और सैलरीड है तो सैलरीड चूज़ करेंगे। नॉट वर्किंग वालों को कार्ड नहीं मिल पाता है जल्दी, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप अप्लाई करें। तो बहरहाल आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ कर लेना है, उसके बाद जो है मोड ऑफ इनकम, आपको कैसे इनकम मिलती है, बैंक के ज़रिए या फिर आपको कैश मिलता है, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में आता है या फिर कैश मिलता है आपको, तो जो भी आपको जैसे भी मिलता हो इनकम वो आप जो है चूज़ कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मंथली इनकम कितना है आपका, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा।
11,000 से 19,000 के बीच है तो ये सिलेक्ट करना है, अगर 19,000 से 29,000 के बीच है तो ये सिलेक्ट करना है, और 29,000 से 50,000 के बीच है तो ये सिलेक्ट करना है, और 50,000 से 1,00,000 के बीच है तो ये सिलेक्ट कर लेना है ये वाला ऑप्शन, और अगर 1,00,000 से ऊपर है या फिर 1,00,000 है तो आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन में सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट हैं आप, नॉट वर्किंग हैं, या फिर सेल्स एजेंट हैं, फाइनेंशियल इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, बैंक एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, या फिर प्रोफेशनल है जैसे यहाँ पे बताया गया डॉक्टर, CA, ETC, या फिर मर्चेंट या फिर शॉप ओनर हैं, हाउस वाइफ हैं, अदर्स, तो जो भी आप हों, जो भी आपका काम हो वो आप जो है चूज़ कर लेंगे। तो सारी डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है, और अगर आप जो है एलिजिबल होते हैं तो आपको कार्ड मिल जाएगा, और अगर नहीं एलिजिबल होते हैं तो आपको बता दिया जाएगा। इसमें इंस्टेंटली अप्रूवल का भी चांस होता है कि आपको जो इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड मिल जाए। यहाँ पे बताया गया लिंक जनरेटेड, मतलब लिंक जनरेट हो गया है, लिंक जो है हमें सेंड कर दिया गया है हमारे मोबाइल नंबर पर SMS के ज़रिए। चेक योर SMS टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बैंक फ्रीचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड। तो हम जो है अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं जो हमें लिंक भेजा गया उस लिंक के ज़रिए से, और उसके बाद जो हम अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो इसको हम जो है शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर चाहे तो हम SMS पर भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो भाई अपना हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमें लिंक भेजा गया था उस लिंक पर हमें क्लिक करना होता है, वो लिंक हमें जो है हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है, जो मोबाइल नंबर हम इंटर करते हैं, तो उसी मोबाइल नंबर पर हमें अप्लाई करने का जो लिंक होता है, एप्लीकेशन का जो लिंक होता है, वो भेज दिया जाता है। तो आइए जो है देखते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना होता है और इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, और बताया गया कि मिनिमम जो सैलरी होनी चाहिए वो कम से कम जो है 20,000 होनी चाहिए मंथली। तो अप्लाई नाउ पर हमें क्लिक कर देना होगा, और इसके बाद हमें एंटर करना होता है अपना मोबाइल नंबर। तो आइए फटाफट से मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, उसके बाद जो है प्रोसीड पर क्लिक कर देना होता है। तो हमने मोबाइल नंबर जैसे ही एंटर किया हमें OTP मिल जाता है, तो वो OTP हमें यहाँ पर एंटर कर लेना होता है, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना होता है, और इसके बाद यहाँ पे हमें अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है, और जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं वो हमें दिखाई जाती हैं। तो अगर हम इसमें चाहें तो कुछ एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद जो अगर हमें एडिट नहीं करना हो, जैसे ईमेल आईडी है, अगर हम चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ईमेल आईडी अपना जो एडिट करना है तो मैं एडिट कर लेता हूँ यहाँ से। अगर आपको अपना ईमेल आईडी एडिट करना हो तो आप इसी तरह से एडिट कर सकते हैं, बाकी मोबाइल नंबर तो वही रहेगा क्योंकि मोबाइल नंबर आपने OTP के ज़रिए वेरीफाई करा रखा है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने चेक कर लिया तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होती है, जैसे कि पैन कार्ड नंबर, कस्टमर नेम, नेम डिज़ायर्ड ऑन कार्ड, जो आपको कार्ड पर अपने क्रेडिट कार्ड पर नेम चाहिए वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना होता है, यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद जेंडर, मेल, फीमेल या फिर अदर्स, फादर्स नेम आपको एंटर करना होता है, फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम, मदर्स नेम आपको एंटर करना होता है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, मैरिटल स्टेटस सिंगल है या फिर मैरिड है, ये सब कुछ जो है फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना होता है। उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल्स देनी होती है, उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स देनी होती है। तो आइए सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो जैसे ही आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करते हैं तो आपका नेम आ जाता है, और वही नेम जो है यहाँ पे आपके कार्ड पर भी रहेगा। उसके बाद जो है आपको डेट ऑफ बर्थ अपना जो है चूज़ करना होता है, अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होता है। तो फटाफट से हम डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर लेते हैं। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना होता है, और इसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम इंटर करना होता है, फुल नेम। तो पहले आपको फर्स्ट नेम इंटर करना है, और उसके बाद आपको लास्ट नेम इंटर करना है। इसी तरह से मदर नेम में भी आपको फर्स्ट नेम पहले इंटर करना है, उसके बाद लास्ट नेम इंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है कि आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। तो ये सब कुछ फिल कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे कि रेसिडेंट टाइप। तो रेसिडेंस टाइप में आप चूज़ कर सकते हैं कि रेंटेड है, मतलब किराए पर आप रह रहे हैं, या फिर ओन्ड है, मतलब खुद का, या फिर फैमिली का, और यहाँ पे अदर्स का भी आपको ऑप्शन मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस इंटर करते जाना है, हाउस नंबर या फिर अपार्टमेंट, स्ट्रीट नेम, नियर बाई लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफिस का एड्रेस इंटर करना होता है, तो इसमें भी वही है, हाउस नंबर, अपार्टमेंट, उसके बाद स्ट्रीट नेम, नियर बाई लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी होती हैं। अब यहाँ पे एड्रेस कंफर्मेशन में क्या है कि आर यू करेंटली रिसाइडिंग एट योर परमानेंट एड्रेस, क्या आप अपने परमानेंट एड्रेस पर अभी के टाइम में रह रहे हैं,
अगर रह रहे हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं रह रहे हैं तो नो पर। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वेयर डू यू वॉन्ट द क्रेडिट कार्ड टू बी डिलीवर्ड, मतलब आपका क्रेडिट कार्ड कहाँ भेजा जाए। तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि करंट रेसिडेंस एड्रेस पे जहाँ पे अभी के टाइम में आप रह रहे हैं वहीं पे हमें भेजा जाए क्रेडिट कार्ड, तो जो है आपको जो वहीं पे क्रेडिट कार्ड भेजा जाएगा। योर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स विल ऑल्सो बी कलेक्टेड बाई एन एक्सिस बैंक एग्जीक्यूटिव फ्राम द सेम एड्रेस। तो आपका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है, आपके जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जो है कलेक्ट किए जाएंगे एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव के ज़रिए उसी सेम एड्रेस से। तो ये आप सोच समझ करके चूज़ करिएगा, इंटर करिएगा अपना करंट रेसिडेंस एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हों। तो अपने एड्रेस की डिटेल्स इंटर कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू पर इस तरह से क्लिक कर लेना है, टाइप कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डिटेल्स अपनी देनी होती है, जैसे कि एजुकेशन, तो आपको बताना होता है कि अंडर ग्रेजुएट हैं आप या फिर ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो जो भी आप हों वो आप चूज़ कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और आपकी मंथली इनकम कितनी है, और करंट ऑर्गेनाइजेशन आपका कौन सा है, टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है, इंडस्ट्री टाइप और एम्प्लॉयर सेक्टर, तो ये सारी डिटेल्स आपको जो है फिल करनी होती है। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना होता है, टाइप कर देना होता है। तो अपनी पूरी प्रोफेशनल डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू पे इस तरह से क्लिक कर देना होता है। और यहाँ पर आपको दिखाया जाता है जो कुछ भी आपने फिल कर रखा है, अपनी डिटेल्स वगैरह सारी डिटेल्स आपको शो की जाती हैं। तो चाहे आप एडिट कर सकते हैं, ये टाइम होता है एडिट करने का, अगर आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं। और आपने अगर चेक कर लिया कि सब कुछ सही सही है तो आपको कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना होता है। और उसके बाद आपको जो है ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना होता है, एग्री कर लेना होता है इस पर, इस तरह से जो चेक मार्क लगा के, टिक मार्क लगा के। और यहाँ पर है आई एम इंटरेस्टेड इन द कार्ड प्रोटेक्शन प्लान, तो अगर ये अगर ले लेते हैं आप तो उसके लिए चार्ज आपसे लिया जाएगा। तो आप जो है बिना सोचे समझे ये कार्ड प्रोटेक्शन प्लान मत लीजिएगा। और इसके बाद जो एक्सेप्ट ऑल पर आपको क्लिक कर लेना है, और आपको जो है एक ओटीपी आता है आपके मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आपको इंटर कर देना होता है। उसके बाद वैलिडेट पे आपको क्लिक कर लेना होता है, और ये थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग करेगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस, वी विल लेट यू नो वंस योर एप्लीकेशन इज़ प्रोसेस्ड। तो हमारा जो एप्लीकेशन है ये अब जो अंडर प्रोसेस है, और इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा। और इसके बाद अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं तो हमारे ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है, और अगर एलिजिबल नहीं होते तो रिजेक्ट हो जाता है। तो बस दोस्तों, इसी तरह से एक्सिस बैंक फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस एक्सिस बैंक फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा, और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।